हेलो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो जो है कि इमेज फाइल को आप टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे। और आप कभी भी किसी भी कंपनी में काम करने जाते हो तो आपके पास जो है कि इमेज आती है जो कि टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है, तो आप कैसे करोगे। हमारे पास तीन ट्रिक है, तीन ट्रिक आपको बताऊंगा और तीनों ट्रिक से आप इमेज फाइल को बहुत आसानी से जो है कि टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। दोस्तों पहले पहला स्टेप जो है वो मैं आपको आपके कंप्यूटर में ही है, मैं उसे बताऊंगा कि आप कैसे जो है कि टेक्स्ट में कन्वर्ट करोगे। तो पहला स्टेप यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो इमेज फाइल है ना, तो दोस्तों उसको पहले आपको खोल के रखना है। तो चलो हम यहाँ से एक इमेज फाइल मान लेते हैं कि अब हमने पहला जो है कि ये पहला ले लेते हैं, ये फाइल ये वाला, इसको हमें खोल के रखना है। और उसके बाद क्या करना है, हमें जाना है स्टार्ट में। स्टार्ट में जाने के बाद आपके पास कोई भी ऑफिस का सॉफ्टवेयर डला होगा, इसमें कोई भी वर्जन होगा, आप उसे ओपन कर लो। यहां से हमने ओपन किया, इसमें आता है, एक ऊपर जाओगे तो हमारे यहाँ हमारा है जो कि 2016 है, इसमें लिखा है नोट ओनली, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो कि एक ऐसा मूवमेंट खुल के आ जाएगा, इसमें हम न्यू ले सकते हैं। यहां से जाके हम यहाँ न्यू पे क्लिक कर देंगे और दिस पीसी क्लिक करो, और इसको सेव आपको कहाँ करना है आप देखो। हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे ही एक फाइल बना लेंगे यहाँ से और डेस्कटॉप पर सेव करेंगे। डेस्कटॉप पे यहाँ हम डाल देते हैं कि इमेज को हम कन्वर्ट कर देते हैं, इसका टेस्ट 1 डाल देते हैं, यहाँ टेस्ट 1 के नाम से डाल देते हैं और ओन नोट के नाम से बना देते हैं इसे कि आपको याद रहे, और डैश के लिए हम 1 डाल देते हैं और इसको डेस्कटॉप ही हम सेव कर लेंगे। एक फोल्डर बना लेते हैं या इसी तरह हम रख देते हैं, फोल्डर नहीं बनाएंगे, इसी को हम कर देते हैं, हम तो इमेज से पता चल जाएगा कि हाँ हमारा टेस्ट कन्वर्ट हुआ है या नहीं। ठीक है, यहाँ से अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद यहाँ एक ब्लैंक पेज आपको मिल जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि इसमें हमें जाना है इंसर्ट में, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ देखो स्क्रीन इस क्लिप है ना, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपने फाइल इमेज वाली खोली थी वो ऐसे होंगे और उसे सेलेक्ट कर लो। यहाँ से हमने सेलेक्ट किया इस फाइल को और उसके बाद आप यहाँ से छोड़ दो। अब क्या हुआ कि वहां से ये टेस्ट फाइल यहाँ आ गई, इमेज फाइल यहाँ आ गई, ये इमेज में आई। अब इसे क्या करना है, राइट क्लिक करना है आपको और यहाँ क्या कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम पिक्चर, इस पर क्लिक करना है और यहाँ जो खाली जगह है ना वहां क्लिक करो और फिर उसके बाद राइट क्लिक करो और इसमें जो ए बना है ना टेक्स्ट स्पेशल में ए बना है, कीप टेक्स्ट ओनली, इस पर क्लिक कर दो। देखो ये हमारा जो है कि कन्वर्ट हो गया आ गया। अब इसे क्या करो, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, इसे यहाँ से इसे पूरे को सेलेक्ट कर लो, यहाँ से हम पूरे को सेलेक्ट करेंगे, जितना है उतना सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से करो आप कॉपी, कॉपी करने के बाद वर्ड में जाओ और वर्ड को खोल लो और यहाँ आगे पेस्ट कर दो। देखो अब हम इमेज से मिला लेते हैं कि हाँ ये हमारा सही टेक्स्ट कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, विंडो के साथ एरो का लेफ्ट कर लेंगे, राइट कर लेंगे और उसके बाद इसे लेफ्ट कर लेंगे। अब इमेज को खोलते हैं और इमेज को भी हम राइट में कर लेंगे, अब दोनों को मिलाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ से दोनों को, शुरू कहां से है, शुरू है एट दिस, यहां भी एट दिस है, एंड में हम आते हैं इसके एंड में आने का, एंड में भी हमारा आ रहा है। तो हमारा जो है कि टेस्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ए करके जस्टिफाई कर लो, जो भी करना है कर लो और इसे जैसे आपको जहां कॉपी पेस्ट करना है, जहां पेस्ट करना है, जहां एडिटिंग करना है, आप सारी चीजें आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसमें सारा चीज आप आराम से कर सकते हो। तो ये तो हमारा हो गया पहला स्टेप, पहला हमारा यहाँ से खत्म होता है, हम इसे मिनिमाइज कर लेते हैं और इसको भी रहने देते हैं। दूसरा क्या है, आप दूसरा स्टेप देखेंगे, इसे भी हम बंद कर लेते हैं इसे और इसको भी यहाँ से बंद कर लेते हैं। अब दूसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप में क्या करें कि हमें अपना जो है ना कि कोई गूगल तो आप चलाते होंगे, गूगल को खोल लेना है और यहाँ से आगे गूगल ड्राइव में जाना है, हमें गूगल ड्राइव मेरा इस ड्राइव पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो है कि न्यू, न्यू पे क्लिक करना है हमें, यहाँ न्यू पे क्लिक कर लेंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे फाइल अपलोड, अब फाइल को अपलोड यानी करना है यहाँ से। ओके हमारी फाइल क्या है, तो हमने डेस्कटॉप पे डाला था फाइल और फाइल का नाम देते हैं इमेज फाइल। इमेज फाइल में हमने ये बीच वाले फाइल को कन्वर्ट किया था, आप सोचो बीच वाले के ही करोगे, नहीं, अब हम 1 वाले को करते हैं, इमेज टेस्ट फाइल 1, इसको हम क्लिक करेंगे और इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ से ओपन कर लिया, थोड़ी देर में ये फाइल यहाँ आ जाएगी कि ये कहाँ है फाइल, ये रही फाइल, ठीक ना, ये वाली फाइल है, इसको
और ओपन विथ गूगल डॉक्स। अब थोड़ी देर में हो जाएगी, ये रही फाइल, ये हमारी फाइल आ गई यहाँ। तो ऊपर जो है ना, ऊपर आपका जो है कि इमेज फाइल ही है और नीचे इसका टेस्ट आ गया है देखो यहाँ। और इस टेस्ट को आप सेलेक्ट करो और जहाँ तक है वहाँ तक सेलेक्ट करो, इसे कॉपी करो और कॉपी करके और वर्ड फाइल खोलो और यहाँ जाके आप पेस्ट करो। तो देखा दोस्तों, ये भी हमारा एक तरह से कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। अब ये दो चीज़ें आपने अगर जो स्टेप बाय स्टेप देखा होगा तो आप इमेज फाइल को कन्वर्ट कर सकते हो। यार दो चीज़ें आपने आपको सिखा दिया, अब तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा स्टेप, इससे भी अच्छा है दोस्त। आपको कुछ नहीं करना है, इस फाइल को हम मिनिमाइज कर लेते हैं यहाँ से या कट ही कर देते हैं सीधा, क्योंकि हमें दूसरा तीसरा स्टेप, तीसरा फाइल तो हमारे पास है ही, तो तीसरा फाइल को यूज करता है करना है। अब इसको क्या करते हैं ना कि हम यही खोल लेते हैं, यहाँ इसमें लिखते हैं ऑन लाइन ओ आर ओ सी आर और इस पर क्लिक करते हैं, एंटर, ये आ गया। और इस पर हम पहला लिंक है उसी पर क्लिक करेंगे, टाइम ले रहा है। अब यहाँ सेलेक्ट द फाइल, यहाँ सेलेक्ट फाइल को सेलेक्ट करना है, यहाँ हम क्लिक करेंगे और हमारा फाइल जहाँ होगा वहाँ से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये रहा, अब हम आ जाएंगे डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे हमारी फाइल कहाँ है भाई, एक मिनट, तो ये रहा इमेज फाइल। और इसमें हम लेंगे अब दूसरे नंबर की, क्योंकि ये वाला और पहले नंबर का हमने कर दिया है, इसे कर देंगे हम ओपन। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिलता है कि आपको हिंदी में करना है या इंग्लिश में करना है, यहाँ पे जिसमें करना चाहे आप कर सकते हैं, हम इंग्लिश है इंग्लिश ही रहने देते हैं। अब क्या है, यहाँ आप एक्सेल में करना चाहते हैं या टेक्स्ट की करना चाहते हैं या वर्ड में करना चाहते हैं, हमें तो वर्ड में करना है तो वर्ड पे हम क्लिक रखेंगे और इसे यहाँ से कन्वर्ट कर देंगे। अभी थोड़ी देर में यह कन्वर्ट हो जाएगा आपका फाइल, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये रहा, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी फाइल कन्वर्ट हो गई है। यहाँ नीचे से पकड़ के थोड़ा सा इसे और नीचे कर देते हैं यहाँ तक, और ये फाइल हमारी कन्वर्ट हो गई है। अब इस फाइल को हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करके कॉपी और टेस्ट में आके और यहाँ पेस्ट कर देंगे, वर्ड क्लिक करेंगे और वर्ड को खोलेंगे। ओके, और यहाँ हम पेस्ट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारा जो है कि इमेज फाइल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब आप यहाँ से जो भी एडिटिंग करना चाहते हैं या जो भी आप इसमें ट्रांजेक्शन फिल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और जस्टिफाई, लेफ्ट राइट सेंटर, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है कि इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए था, और अगर जो वीडियो अच्छी लगी, आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है, दबा दिया, आगे बोलो।